दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखो आई एम ऑडिबल। जल्दी से एक बार लिखिएगा आम ऑडिबल, आवाज आ रही है आप सभी को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए आपका ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह हम एक शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप, अच्छा अभी पहले एक बार मैं बता दूं आपको, 7 बजे सभी क्लासेस जितनी भी होती है ना, ए टू जेड सभी क्लासेस होने वाली हैं। 10:07 PM अनअकैडमी कॉम्बैक का हिस्सा जरूर बनेगा बेटा। जो भी कॉम्बैक का हिस्सा बनता है ऑब्वियसली यार फायदा तो होता ही है, ठीक है। कॉम्बैक का हिस्सा बनने में आपको बहुत फायदा होता है। कैसे, स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपको अमेजिंग जो है ना वाउचर्स मिलेंगे जितने भी हैं अमेजोन के, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस आप यूनिक देख सकते हो, ठीक है। 12 बजे संडे पे, संडे को आप ऐप पे आके जुड़ सकते हैं। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव पढ़ाया गया या फैक्चुअली रॉन्ग है तो यू कैन यूटिलाइज दिस ऑप्शन, रीड केयरफुली बेटा। आपके जो ऑफर है ना अन अकेडमी के, अभी आज अवेलेबल है। देखो कैसे अवेलेबल है ये भी समझो, ठीक है। बहुत 8 जुलाई है आज, ये मेरा रेफर कोड है, ये रेफर कोड है, बस एक एक्सेस किया आपको अन अकेडमी के सारे ऑफर मिले। अब ऑफर किस तरीके के ऑफर आपको मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके के कि आपको सीईटी जैसे, ठीक है, एग्जाम में आपको 12-12 मंथ फ्री मिल रहा है। मतलब अगर आप 2 साल की फीस देते हो तो 1 साल आपको फ्री मिलेगा, 3 साल आप पढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके के आपको ऑफर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। प्राइस हाइक होने से पहले कम से कम फीस में, ये कम से कम फीस है, इस फीस में आप जुड़ सकते हैं गोल सेलेक्ट करके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी भी गोल में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। SSC फिर कर्शन क्लिक करिए, फिर रेफर कोड यूज किए, फिर मंथ सिलेक्ट करें, फिर इसमें आपको सारे टीचर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, हर PDF आपको जो भी चीजें हैं ना वो सब कुछ स्ट्रक्चर तरीके से आपको अवेलेबल। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बता IUCN के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, बता। IUCN के हेडक्वार्टर कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई थिंक आसान क्वेश्चन है, IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ICICI बैंक, नया क्वेश्चन है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं, यूको बैंक पढ़े हैं, बंधन बैंक पढ़े हैं, पंजाब नेशनल बैंक पढ़े हैं, ICICI का अभी तक नहीं पढ़े, बताओ आंसर क्या है। ICICI बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में। बेटा ये सारे क्वेश्चन ना आपको जैसे मैं करा रहा हूँ ना, इसको मैं और भी जगह बहुत जगह कराऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत में अगर हम सुबह सुबह कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं तो वो ज्यादा सही रहे, ठीक। बाकी आपकी बाद में तो करंट अफेयर की क्लास, साइंस की क्लास, बाकी सारी चीजें होने वाली, ठीक है। जी कैनेडा का कैपिटल और करेंसी क्या है, बताइए कैनेडा का कैपिटल और करेंसी क्या है, सोचना आंसर क्या है। ठीक है बेटा याद रखिए, बड़ा आसान है। ओटावा इसका कैपिटल है, डॉलर इसका करेंसी, और बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ओटावा इसका कैपिटल है और डॉलर इसका करेंसी है, ठीक है, लेकिन कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर में फर्क है, ठीक है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी जल्दी। अब SSC गुरु की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 5:30 बजे, बताओ, ठीक
है, कैमगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कैमगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व? पते ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ये क्वेश्चन शायद आसान है, ठीक है, ये नेशनल टूरिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले याद रखना 25 जनवरी को। अब ये 25 जनवरी तो आप याद कर सकते हो नेक्स्ट। अच्छा, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे नहीं पूछा मैंने आपको अभी तक ना, आप बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया था किसी भी क्लास में, वो वर्ल्ड टूरिज्म का ही क्वेश्चन पढ़ाया था, नेशनल टूरिज्म का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, तो इसी वजह से बच्चे जल्दी में गलती करते हैं। ठीक है, भूलना मत कि नेशनल टूरिज्म डे है जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नेशनल टूरिज्म डे का 25 जनवरी। बताओ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहाँ पे लोकेट है, मैंने शायद ये बताया था, ठीक है ना, रेसलिंग से संबंधित कुछ हिंट दिया था मैंने, कुछ मैंने हिंट दिया था, कहा था कि भैया इस तरीके से ना, है ना, हिंट से आप याद कर सकते हो। आप बताओ क्या हिंट दिया था, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड, कमेंट करिएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड, आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या, देखो फॉरेस्ट रिसर्च, अब जंगल कहाँ पे रहा था, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है। ऐसे अगर आपसे पूछा ना सोयल का कहाँ पे, तो यार ऑब्वियसली राजस्थान में होगा, मिट्टी से संबंधित कुछ है, तो ऐसे फॉरेस्ट से संबंधित कहीं ना कहीं उत्तराखंड में होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जोधपुर फेमस है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडिया में कौन सी स्टेडियम है, आसान क्वेश्चन कि भाई जोधपुर कहाँ पे है। ठीक है, चलिए बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जोधपुर कहाँ पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक कर्नाटका। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक कर्नाटका इसका आंसर है। बताइए सरदार सरोवर, जहाँ पे हम सरदार वर्ड देखते हैं तो आंसर लगा देते हैं बेटा, है ना, जहाँ पे हम सरदार वर्ड देखते हैं वहां पे हम आंसर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन, गुजरात इसका आंसर है। ठीक है, बताएं श्री दामोदरन थर्मल पावर स्टेशन कहां पे, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं। चलिए आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इन विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भोगाली बिहू, अच्छा वैसे बिहू देख के आसाम निकलता है दिमाग में, ठीक है, बिहू देख के आसाम निकलता है दिमाग में, तो बिहू देख के तो आसाम लगाओ,
बेटा ये मेरा रेफर कोड है, जैसे आज आपको ना सीईटी का कॉम्बो पैक का ऑफर मिल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट उसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको अभी करंट अफेयर की जो क्लास होगी उसमें दिखा भी दूंगा, और आप उसमें ये रेफर कोड लगा के जुड़ सकते हो, ठीक है। मतलब बेस्ट डिस्काउंट है, इससे बहुत ज्यादा डिस्काउंट इस रेफर कोड पे मिल रहा है इस समय। आज आदमी लाइव अमन पे बहुत डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। द बुक मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम, बताइए किताब किसके द्वारा लिखी गई, कमेंट करिए। सही आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चटर्जी, इसका आंसर बताइए, ठीक है, बताइए कहां पे लेम्बुकमाम जो गैरकुबा टेम्पल जो है कहां पे लोकेट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? मणिपुर इसका आंसर है, ठीक है, मणिपुर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वेर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वेर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ऑर्डर निसाल लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये किन दो देशों के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर जर्मनी और पोलैंड। एक और क्वेश्चन देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आंसर इसको क्या है, हरियाणा इसका आंसर, ठीक है, हरियाणा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, सारी क्लासेस हो रही है, फ्री क्लासेस भी और पेड क्लासेस भी, ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, ठीक, ठीक। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? न्यूयॉर्क इसका आंसर है, ठीक है, न्यूयॉर्क इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अच्छा, वाल्मीकि जो है बिहार से संबंधित है क्या? ठीक है, बिहार इसका आंसर। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करा भी रखा है कि वाल्मीकि के ऊपर क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन में? ये है,
फेस्टिवल द बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताइए बस्तर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है होजागरी इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है होजागरी इज अ फोक डांस परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, त्रिपुरा इसका आंसर, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इन विच स्टेट इज द गंगोत्री टेम्पल लोकेटेड, कौन से स्टेट में, बेटा सारे के सारे ना तैयार हो जाओ, अभी करंट अफेयर भी होने वाला है 10 बजे का ना, बहुत जरूरी क्लास है, ठीक है उसके लिए तैयार हो जाओ, जरूरी है करंट अफेयर की क्लास इस समय बहुत जरूरी है, ठीक है एग्जाम आ रहा है तो उस हिसाब से एग्जाम आ रहा है, तो भैया जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो फ्री भी मिल रही है, और अनअकैडमी प्लस पे जेन्युइन जो स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ठीक है क्रैश कोर्स है, ये सब मिल रहे हैं आपको इस समय, ठीक है क्रैश कोर्स जरूरी है इस समय, तो अभी अगर आप प्लस में जुड़ रहे हो तो आपको क्रैश कोर्स भी डायरेक्ट मिल जाएंगे, बताइए ए यूनिडो जो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ये वेना ऑस्ट्रिया का आंसर है, एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा लोसार फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए बताओ विच बाउंड्री लाइन डिवाइड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि यार कौन सी बाउंड्री लाइन डिवाइड करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो वही जो इंडिया और अफगानिस्तान को भी डिवाइड करती है डोरन लाइन, तो आसान क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखो बताओ टेक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, ठीक कौन सी स्टेट में महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स है वो कहां, जैसे पलवास के द्वारा पैट्रनाइज किए गए ना महाबलीपुरम, लेकिन कौन सी स्टेट में ये पूछा जाए तो आंसर क्या हो, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तमिलनाडु इसका आंसर, ठीक है तमिलनाडु इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाएगा, ठीक है एक और क्वेश्चन सिम्बलीवाल नेशनल पार्क कहां पे है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिम्बलीवाल नेशनल पार्क कहां पे, ठीक बेटा उड़ीसा इसका आंसर है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए ये इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो ना तो उसके लिए जरूरी है, ठीक है ग्रे रेवल्यूशन किसके प्रोडक्शन से संबंधित है, आंसर क्या फर्टिलाइजेशन, ठीक जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये बलपाकम जो नेशनल पार्क है ये कहां पे है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मेघालय इसका आंसर है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
ठीक है मेघालय इसका आंसर है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक कोलम दुलाल इज अ रिचुअल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ठीक है आंसर क्या है कहाँ का है। ठीक है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना जो हम पढ़ते हैं नए नए क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो मुश्किल ही रखते हैं, लेकिन हमें ना आसान बनाने हैं बार बार पढ़ के डेली पढ़ के। ठीक है जी ये जैसे ये आसान हो गया अब आपके लिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे, क्योंकि पढ़ा दिया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे वो भी पढ़ा दिया, तो वो भी आपके लिए आसान है। ठीक है चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तेलंगाना इसका आंसर है। ठीक है चलिए बताइए। ठीक कपरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र इसका आंसर है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो। द टर्म चिनमान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है बताइए किस खेल से संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है आंसर है क्रिकेट। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये कौन सी स्टेट में बना है, इस क्वेश्चन आंसर बताइए। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है राजस्थान इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है सिद्धि विनायक मंदिर आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत फेमस मंदिर है, तो इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आसानी होगा सभी के लिए कि कहाँ पे है टेम्पल। ठीक है ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है, अभी करंट अफेयर की क्लास होगी बहुत जरूरी। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र। एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है बताइए इराक का कैपिटल और करेंसी क्या है। ठीक है बगदाद है और दिनार है, बगदाद आप सभी जानते हैं बगदाद। ठीक है इन विच स्टेट इज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। ठीक है पहला एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का कहाँ पे बना था। बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे रेगुलर यूट्यूब सेशन होता है ना वो होता है 7 बजे वाईफाई स्टडी। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र इसका आंसर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। जल्दी से बताइएगा हेडक्वार्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन का मॉन्ट्रियल कनाडा इसका आंसर है। भरूच इज अ गुजरात इन गुजरात इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन सी नदी के किनारे है। ये भरूच जो शहर है गुजरात में वो कौन सी नदी के किनारे। ये फाइनल क्वेश्चन है आंसर क्या है बेटा नर्मदा। ठीक है तो बेटा जो भी बच्चा देख रहा है अभी करंट अफेयर होगा सुबह सुबह 10 बजे है ना, तो वो जरूर देखिएगा और बेटा जुलाई ऑफर्स का फायदा उठाइए। ये जो सीईटी ऑफर है जैसे मतलब अगर आप अभी 12 बजे से पहले जुड़ रहे हो ठीक है तो आपको बेनिफिट ही है आपको। ठीक है तो कैसे ये भी देख लो, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा सीईटी ज्वाइन करना क्योंकि आगे जो सेंटर जो एग्जाम होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाले उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 2 साल पे 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है और मैं बताऊँ ये फीस नहीं है। ये फीस क्यों नहीं है क्योंकि अभी इस पर डिस्काउंट रेट नहीं दिखाया। ठीक है डिस्काउंट लगता है ये रेफर कोड लगा, ये रेफर कोड लगा दो सारे डिस्काउंट भी लग जाएंगे ऑफर के साथ साथ। ऑफर मतलब कि आपको 1 साल फ्री मिल रहा है ठीक है और डिस्काउंट आपको रेफर कोड और लगा के लाइव ओमन लगा के ठीक है दिमाग रखिएगा 260 रुपए पर मंथ इसका पड़ने वाला है।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ये पूरे सब्जेक्ट्स के लिए फाउंडेशन वाइज होने वाला है। ठीक, तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका बेनिफिट उठाइए। सिंपल सा काम करना है आपको, एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, कैटसेप्शन में क्लिक करना है और इधर रेफर कोड लगाना है, लाइव अमल और मंथ सेलेक्ट करना है, इसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये तरीका, मिलते हैं अभी आपसे करंट अफेयर की क्लास में, डेली 9 AM पे जरूर पढ़िए क्लास। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं, प्रॉपर करंट अफेयर का सीरीज है वो जरूर करेंगे। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सारे। ठीक है।